नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर सियासी सरगर्मी बहुत तेज है, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी तरफ खुद बीजेपी, पूरी दमखम लगाने की तैयारी हो रही है। और इसी बीच देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज एक अहम बैठक हुई तमाम पार्टी के पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ कि उपचुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार अलग अलग जातियों के आधार पर मुद्दा बनाता रहा है, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इस बैठक में चर्चा हुई है। आपको आगरा का बयान योगी आदित्यनाथ का याद होगा, जहां पर उन्होंने बटोगे तो कटोगे की बात कही थी, और उसी एंगल पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। एक तरीके से ये रणनीतिक मूल मंत्र होगा कि लोगों को याद दिलाया जाएगा कि एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करें। अब किस तरीके से ये रणनीति काम करेगी, इस बैठक में पूरी बात क्या कुछ हुई है, ये सब जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, उपचुनाव को चाहे कोई भी दल हो उत्तर प्रदेश में, सब ने साख का सवाल बना लिया है। और लोकसभा में जिस तरीके के परिणाम आए थे, उसके बाद बीजेपी भी इसको लिटमस टेस्ट की तरह ले रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आए, ताकि एक बार फिर से परसेप्शन को बदला जा सके। क्या हुआ बैठक में, क्या कुछ पूरी बात हुई है, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, जो अहम बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ आज तमाम पार्टी पदाधिकारियों मंत्रियों की, उपचुनाव पूरे फोकस में रहा, कितनी कैसे किस तरीके से प्रचार होगा, कहां कहां योगी जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, इन सब मुद्दों पर बात हुई। लेकिन सबसे अहम बात जो निकल कर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसको मूल मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लोगों को याद दिलाया जाए और उनको एकजुट रखा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदर्श आप। महत्वपूर्ण बैठक थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले स्वच्छता अभियान की बात हुई, स्वच्छता अभियान के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस सुपर 30 मतलब 30 मंत्रियों की वो टीम, जिसको की जिम्मेदारी दी गई है, हर एक विधानसभा पर जो 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, उसमें शामिल होकर वहां पर बताने की कि कैसे प्रचार पर जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्या कहना है। लेकिन एक चीज जो बहुत साफ दिखाई दी, देखिए, समाजवादी पार्टी के 7 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, और उसको देखकर एक बात भाजपा समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने उस पीडीए के नारे पर ही जाएगी, जिसमें पिछड़े हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें अल्पसंख्यक शामिल हैं। तो पीडीए के इस नारे पर अगर समाजवादी पार्टी जाती है, तो भाजपा के पास उसकी काट क्या होगी। भाजपा उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहती, और इसीलिए ये बात कही गई कि हम अगर पीडीए का जवाब पीडीए से देंगे। आदर्श, ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से ना मंडल बनाम कमंडल होता दिखाई दे रहा है, कि जहां एक और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हालांकि उस गठबंधन में भी कई सारे पैच हैं, कांग्रेस के नेताओं से बात करिए तो बहुत खुशी दिखाई नहीं दे रही है कि राष्ट्रीय नेताओं ने इस तरीके की कोई बात कर दी। खैर, एक बात कही गई कि आपको वोटों के जातीय ध्रुवीकरण से रोकना है, और इसलिए जो आपने लाइन कही है या लिखे हैं हम, बिल्कुल सही है कि वो जो बयान दिया था खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि बटोगे तो कटोगे। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस लाइन से ऊपर एक शब्द का, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, तो जिस बयान के आधार पर हम ये पूरी बात कर रहे हैं, एक बार वो बयान सुनवा देते हैं मुझे लगता है दर्शकों को। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूँ। तो देखिए, आप सुन रहे थे, जन्माष्टमी के समय आगरा पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, और अब बीजेपी उसी रणनीति पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उत्कर्ष पूरी जानकारी दे रहे थे, उत्कर्ष आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे लगा क्योंकि जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो सुनवा लेना चाहिए एक बार। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि सुनवाया, क्योंकि मैं जवाब में इसी रेफरेंस का हवाला देता कि जन्माष्टमी के ठीक बाद मथुरा और आगरा के दौरे पर पहली बार ये बयान आया।
इसके बाद और इस बयान में आपको दोनों लाइनें सुनाई थी जिसका हरियाणा में अलग अलग मंचों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा प्रयोग किया था। एक बार उन्होंने बटोगे तो कटोगे की बात कही थी, दोहराई थी उसको। दूसरी बार उन्होंने कहा था कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और तीसरी बार उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक संस्मरण का जिक्र किया जहां उन्होंने कहा कि देखिए आजकल तो मुझे देखकर मौलवी भी राम राम बोलने लगा है। और ये तीनों शब्द उनके हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान आए। इसके बाद महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं जहां वो उस बात को कहते हैं कि हिंदुओं को ही कांग्रेस क्यों जातियों में बांटती है, वो बाकियों को क्यों नहीं बांटती। इशारों इशारों में तर्जुमा वही था। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है जहां वो हिंदू एकजुटता की बात करते हैं। आदर्श, इन तीनों अलग अलग नेताओं के बयानों को अगर आप देखेंगे तो मूल आधार एक ही है। आज उस बैठक में इसी बात को दोहराया गया कि पार्टी की चुनावी रणनीति क्या हो सकती है। पहली बात, जाति ध्रुवीकरण और किसी भी तरीके के नैरेटिव को बिल्ड होने से पहले तोड़ा जाए, ये सबसे पहले बताया गया। मतलब मंत्रियों को बहुत साफ कहा गया कि आप चौपाले करिए, लोगों के साथ बैठकर उनसे सीधी बात करिए, उनको ज्यादा सुनिए और उनसे पूछिए कि विपक्ष वाले क्या बोलते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि क्या जमीन पर फिर से कोई नैरेटिव तो तैयार नहीं हो रहा, फिर कोई आरक्षण, फिर कोई संविधान, फिर कोई ऐसी चीज तो तैयार नहीं हो रही जिसका जब तक हम काउंटर देने जाएं वो लोगों के मन में बस चुकी हो। और दूसरी बात, यही कही गई, शब्द को नहीं कहा गया बटोगे तो कटोगे, लेकिन यही कहा गया कि जाति ध्रुवीकरण से बची, और अगर ध्रुवीकरण होना है तो वो धार्मिक आधार पर होना चाहिए। रणनीतियों पर चर्चा हुई है, जो सार्वजनिक तौर पर मंत्री कहते हैं वो साफ वही बात कहते हैं जो कि बहुत आसान लगती है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी आप ही के साथ अपने इस लाइव शो पर कहा था और मैं वापस बोल रहा हूं उस बात को, बहराइच में हुई बातें, मथुरा में दोहराई गई बातें, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और उसके बाद उस क्रम में अगर आप देखेंगे तमाम जगहों पर। एक छोटी सी दिलचस्प चीज आपको बताता हूं आदर्श, और उसके बाद आप अगले सवाल की आप और आ सकते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष से मुलाकात की थी। कुछ तो बातें हुई होगी वहां, क्या हो रहा है उसको अपडेट को लेकर हुआ होगा, चीजें पूछी होंगी। कल वो मुलाकात करते हैं बहराइच भाजपा के जिलाध्यक्ष से। विश्व हिंदू परिषद बहराइच के मामले को लेकर बहुत एग्रेसिव होता दिखाई देता है। कल एकदम से शाम को सरकार वो नोटिस लगा देती है उन तमाम लोगों के घर पर जो कि हिंसा के आरोपी हैं, और उसके बाद अब हमको 3 दिन की मियाद थी, कल वो तीसरा दिन है, हो सकता है वो बुलडोजर एक्शन भी दिखाई दे। तो ऐसे में वो जो परसेप्शन बनाने की लड़ाई या जो बात हो रही थी वो आपको, मैं आपसे वापस कह रहा हूं, कन्नौज, मिल्कीपुर, बहराइच, ये 3 शब्द होंगे जो मंचों से दिखेंगे आज की बैठक में। इसका कैसे सियासी प्रयोग हो, दुर्भाग्यजनक है कि कई बार ऐसे मसलों का सियासी प्रयोग होता है, लेकिन होगा और वो भी तैयारी कर ली गई है। आप कह रहे हैं उत्कर्ष, लेकिन देखिए एक चीज, अब ये तो तैयारी चल रही है, लेकिन अब ये बटोगे कटोगे का जो मूल मंत्र है इसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। सवाल मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं, क्योंकि देखिए जैसे ही बहराइच में हिंसा होती है, बहराइच में जो घटना होती है, उसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं जिसका जिक्र आपने कई बार अपनी चर्चाओं में किया। वो एक ये प्रश्न देने की कोशिश करते हैं कि माहौल कौन खराब कर रहा है, उपचुनाव है इसलिए माहौल खराब किए जा रहे हैं, सीधा हमला बीजेपी के ऊपर। अब बीजेपी इसी मूल मंत्र के साथ जो अपना जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था उस पर आगे बढ़ेगी। तो सवाल यह है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो उनके उनके जो वोट देने वाले लोग हैं वो उनके पास रहें, छटक कर सामने न चले जाएं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए अब लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के बाद अगर आपको याद हो तो एकदम से कुछ शब्द आए थे जिस पर बड़ी चर्चाएं हुई थी। कांग्रेस पार्टी वो मंगलसूत्र छीन लेगी, उसके बाद किस तरीके से बात हो रही है, वो एक वर्ग की बात कर रही है, एक धर्म विशेष की, एक समुदाय की बात कर रही है, मंगलसूत्र, मुजरा, और उसके बाद ऐसे ढेर सारे ट्रिपल एम और मल्टीपल एम हमको दिखाई दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फीडबैक सिस्टम का, स्कोर सिस्टम का ये मानना है, मैं कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मिला था, ऑफ रिकॉर्ड हुई बातचीत में स्टेट लीडरशिप के साथ जो मैं बात किया था, ऑफ रिकॉर्ड हुई इस बातचीत में कुछ चीजें जो मैं सूत्रों के जरिए आपको बता सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, और आज के कार्यक्रम को लेकर कि क्या कार्यक्रम होना है, क्या बैठक होनी है, थोड़ा हम ये टटोलने भी गए थे। एक चीज साफ बताई गई कि भाजपा का 2 चीजों पर बहुत क्लियर कट मानना है। एक, कि इस बार ये नहीं होना चाहिए कि विपक्ष पहले बैटिंग कर जाए और आप उस स्कोर को चेस करने जाएं, यानी विपक्ष मुद्दे तय कर दे और उन मुद्दों पर आप जवाब देते रहे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे, वो चीज गलत हो जाएगी। दूसरा, अगर विपक्ष उस ध्रुवीकरण को बरकरार रख रहा है, बरकरार रखना चाहता है, जहां पर वो एक वोट बैंक बना रहा था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, वो अगर वोट बैंक कायम रहता है तो भाजपा के लिए जीत बहुत मुश्किल होगी। वो कैसे टूटेगा, उसको टूटने का एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है, वो विकल्प है धार्मिक ध्रुवीकरण। क्योंकि फिर जब आप 80-20 की लड़ाई में जाते हैं तो फिर आपको वो 5-5, 10-10, 15-20, 30-21 ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी होती है,
भारतीय जनता पार्टी से ही बहुत स्ट्रांगली, और इसमें सबसे मुफीद चेहरा भाजपा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं हो सकता। एक ऐसे व्यक्ति जो कि खुद हिंदुत्व की विचारधारा को हार्डकोर तरीके से फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो जो अपने शब्दों में कहते हैं वो उस विचारधारा पर अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं। उसके बाद उनका परिवेश जिस रूप में वो दिखाई देते हैं, बिल्कुल वो पूरा वो भगवा आवरण, वो चीज दिखती है योगी के तौर पर उनका होना। और तीसरा, वो जितनी आक्रामकता के साथ, अभी हम जो बाइट सुन रहे थे आप उसमें शब्दों के चयन को देखिए ना, वो जितनी आक्रामकता के साथ, मतलब बांग्लादेश के एक रेफरेंस को जो उन्होंने जोड़ा वो अब तक रिलेवेंट बना हुआ है। बांग्लादेश की वो पूरी हिंसा के बाद, बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद, बांग्लादेश में हुई उस अराजकता और हिंसा के बाद एक चीज शुरू हुई थी, लेकिन वो शब्द लोगों के कान से गायब नहीं हुआ, तो उनको पिच करना आता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आक्रामकता को और बढ़ाएंगे। और मैं आपसे वापस एक बात कह रहा हूं, पहले जैसे मैंने कई चीजें कही वो हुई, आपको मैंने 8-2 कहा था इस शो पर, और हम 8-2 के वो समझौते को देख रहे हैं। मीटिंग के बारे में मैंने कहा था, मैंने आपको 5 प्रत्याशियों के बारे में कहा, प्रत्याशियों को लेकर भी बातचीत हुई है, वो नाम भी बताए गए कि कौन कौन प्रत्याशी होने वाले हैं, ताकि मंत्री उस हिसाब से तैयारी कर सके। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब 1-2 दिन की देरी है, क्योंकि प्रत्याशी दिवाली पर काम कर सके उसके लिए बताया गया। लेकिन जो बात मैं बोलना चाह रहा था वो ये कि चुनावों की घोषणा के बाद से अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक भी सार्वजनिक रैली नहीं हुई है या चुनावी रैली नहीं हुई है। आप वो होने दीजिए और उसके बाद आप आक्रामकता को देखेंगे, तो आप पहली रैली के दिन समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को किस मुद्दों पर ले जाना चाहती है। और जो आप एक मॉडल देखेंगे, जो आप एक टोन देखेंगे, जो आप शब्दों का चयन या आप जो विचारधारा उन भाषणों में देखेंगे, उसको सिर्फ उपचुनाव तक सीमित मत रखिएगा। मैं उन तमाम बड़े नेताओं से मिलने के बाद बड़े उस विश्वस्त तरीके से इस बात को कह सकता हूं कि वो टोन भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों तक बनाए रखेगी, हो सकता है बढ़ाए, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं होगी। हाँ, कुछ बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट पे होता है तो बात अलग है, वरना भाजपा अब तो 2027 के टेम्पो को, उस प्रचार को अभी से किक स्टार्ट कर रही है। आदर्श, देखिए इसमें दो चीजें हैं। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया बहराइच को लेकर, उसको लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई। अब सवाल यह है, लेकिन अखिलेश यादव महाराष्ट्र में जब पहुंचे तो महाराष्ट्र में कौन सी जगह, दो जगह गए, मालेगांव गए, भिवंडी गए, तो इसको भी बीजेपी इनकैश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहां का जो पूरा वोट बैंक का गणित है वो बड़ा अलग है। बिल्कुल करेगी, मतलब मुझे लगता है कि कई बार थोड़ी सी आसानी कर दी शायद अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे ने, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ एक वीडियोस या कुछ एक बातें जो कही गई वो जिस तरीके से आ रही है वो ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुफीद है। भारतीय जनता पार्टी को जैसा आपने कहा मालेगांव क्यों चर्चित था, हर कोई जानता है मालेगांव ब्लास्ट के बाद से उस जगह के नाम को लेकर हर कोई जानता है, ऐसा नहीं है कि उस नाम को हम लोग नहीं जानते या नहीं सुनते। दूसरा, वो धुलिया में गए थे, वहां पर भी उन्होंने एक सभा की, रैली की, और वहां पर उन्होंने जो उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के इरशाद जागीरदार, उनको तो मंच पर वो ले आए, घोषणा की, और उन्होंने कहा कि वहां पर आप आइए। उसके बाद वहां धुलिया में ही वो एक दरगाह है अनजान शाह दाता की, वहां पर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने कुछ गलत किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन पॉइंट्स को, और मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ, अखिलेश यादव के पूरे दौरे को नहीं बता रहा, जो बिंदु भाजपा देख रही है मैं आपको वो बिंदु बता रहा हूँ कि जिन बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस कर रखा था या भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस करना चाह रही है कि वो कहां पर गए, क्या बोले। चार जगहों पर, मानखुर्द से, भिवंडी से ही और मालेगांव से, चार जगहों पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। दूसरी, जो प्रचारक जो अखिलेश यादव के साथ मन से भाषण दिया, आपको आदर्श पता है उनका नाम क्या है, बहुत का ध्यान इस बात पर नहीं गया, और ये एक फॉर्मूला हो सकता है जिस पर शायद भाजपा के नेताओं का ध्यान जाए। अखिलेश यादव के भाषण से ठीक पहले जो सार्वजनिक भाषण हुआ वो हुआ कैराना से सांसद इकरा हसन का, और इकरा हसन को जानबूझकर स्टेज पर इस तरीके से शेयर किया गया कि युवा चेहरा है। इकरा हसन जम्मू कश्मीर भी गई थी पार्टी के लिए विचार करने के लिए, अल्पसंख्यक चेहरा है, और वो एक ऐसा चेहरा है जो कि मुसलमान वर्ग को, उसमें भी औरतों को, नई उम्र की लड़कियों को, पढ़ी लिखी वो हैं, फॉरेन रिटर्न है, तो वो कई तरीके से प्रभावित कर सकती है। और ऐसे में इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पूरे दौरे के कुछ पिक पॉइंट्स बने हैं, जिन पिक पॉइंट्स को लेकर बड़ा एक कहा जा रहा है, और एक दो वीडियो भी हैं जिस पर ये कहा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे वायरल है, उनकी सत्यता की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है कि अगर वो सच में वीडियो सही निकलते हैं, जिसमें अबू आजमी भाषण दे रहे थे लेकिन मंच अखिलेश यादव के लिए ही बना था, वो अगर चीजें स्लिप ऑफ टंग हुई हैं या वो अगर चीजें स्ट्रेटेजिकली उस विधानसभा को जीतने के लिए कही गई हों, लेकिन महाराष्ट्र की एक विधानसभा को जीतने की कोशिश आपको उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक एज दे सकती है, अगर भाजपा उसको एक रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करे, तो फिलहाल इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन वो होने की संभावना
प्रबल रूप से दिखाई दे रही आदर्श। और जाहिर सी बात है जो परिस्थिति बन रही है, अब सभी पार्टियां अब अपनी अपनी रणनीति बनाकर अब रणनीति बनाने से आगे निकल आई हैं, क्योंकि रणनीति को अब जमीन पर उतारना है, समय बहुत है नहीं। 13 तारीख को चुनाव होने हैं, हालांकि अपील की गई चुनाव आयोग से कि 20 नवंबर को चुनाव करवाए जाए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, इसकी वजह से क्या होता है वो एक बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर 20 तारीख को भी चुनाव होते हैं तो भी बहुत ज्यादा वक्त बचता नहीं है। अब देखिए, बटोगे तो कटोगे, ये मूल मंत्र लेकर बीजेपी जमीन पर उतरेगी, लोगों के बीच में जाएगी, ये बताएगी कि एकजुट रहना बहुत जरूरी है। इसका ये खास करके जवाब होगा पीडीए के राजनीति का, यानी कि जो जाति के अंदर जातियों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो बार बार बीजेपी आरोप लगाती रही है। अब फैसला जनता को करना है। उत्कर्ष, और भी जो कुछ जानकारी होगी आगे फिर जुड़ेंगे हम और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और दर्शकों तक हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई और क्या परिस्थिति बन रही है दर्शकों को बताने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।